लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सिर्फ जरा चलो घर चलो। क्यों अपनी बीवी के साथ नाचने में तुम्हें शर्म आती है? अपनी बीवी को इस हालत में देखते हुए शर्म आती है? जस्ट लुक एट यरसेल्फ, तुमने इतनी पी रखी कि तुम्हें होश भी नहीं। शायद मैं होश में रहना नहीं चाहती। डोंट गेट मी एंग्री सारा। हालांकि एंगर जतन, कम से कम गुस्से में तो मेरा हाथ तो पकड़ते हो। बिहेव योरसेल्फ। टेल मी समथिंग, क्या वो बिस्तर में मुझसे अच्छी है? इज शी बेटर देन मी इन बेड? यू आर क्रेजी सारा, तुम किसकी बात कर रही हो? क्यों एक से ज्यादा है क्या? शराब जारा, क्या बकवास कर रही हो? Oh, so that's what you like nowadays, the silent types, जो कुछ कहती नहीं है, सिर्फ करती है। सारा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी और औरत को छुआ तक नहीं। Why don't you believe me? तुमने आखिरी बार मुझे कब छुआ था जब? हेलो। सुबह सुबह जोक सुनने का मजा ही कुछ और है ना। सुन, एक आदमी कहता है मेरी बीवी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग गई यार। तो दूसरा आदमी पूछता है फिर तुझे कैसे पता कि वो तेरे दोस्त के साथ ही भागी? पहला जवाब देता है मेरी बीवी को भगाकर मुझ पे एहसान करने वाला मेरा कोई दोस्त ही हो सकता है ना। हाँ कौन हो तुम? एक दोस्त। हेलो हेलो जैक, मैडम कहाँ है? सर, मैडम तो रात भर घर नहीं आई सर। हेलो। तेरा आइडिया सही था, बेडरूम में जाकर देखना कि बीवी बिस्तर पर है या नहीं। बस बेडरूम और बिस्तर गलत था। यू बास्टर्ड।
रिलैक्स रिलैक्स यार, खींच रहा हूँ तेरी। बेडरूम मेरा था, बिस्तर भी मेरा था, और उस पर बीवी तेरी थी। लेकिन फिक्र मत कर, अग्नि परीक्षा की अब तक नौबत नहीं आई है। मैं तेरी बीवी को भगा कर नहीं, उठा कर लाया हूँ किडनैप करके। अब मेरी बात गौर से सुन। शादी करके तू उसे घर में फ्री लाया था ना, लेकिन अब तेरे घर में दोबारा उसका गृह प्रवेश कराने की कीमत 50 लाख। और एक अच्छा नागरिक बनकर पुलिस वुलिस को बुलाया ना, तो अग्नि परीक्षा और अग्नि संस्कार दोनों साथ में करने पड़ेंगे। क्या समझे? बीवी का किडनैप कल रात को हुआ, तो फिर आपने हमें बुलाने में सुबह तक इंतजार क्यों किया? किडनैपर्स का सुबह फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि रात भर बाहर रहना आपकी बीवी के लिए कोई नई बात नहीं थी। What the hell are you saying? नहीं, मेरा मतलब है कि वो रात भर घर के बाहर थी तो आपको फिक्र नहीं हुई? हमारा कल झगड़ा तो नहीं हुआ था? ले। हेलो, मैं चाहता तो तेरी बीवी को परसों रात ही उठा लेता, लेकिन ऐसे ना करने की मेरी दो वजह थी। एक, कल संडे था और संडे के दिन मैं काम नहीं करता, और दूसरा कि इत्तेफाक से संडे को बैंक भी काम नहीं करता। लेकिन आज ठीक 9:30 बजे बैंक खुली मिला। मिला? नो सर। पचास लाख बड़ी रकम होती है, इसलिए बैंक मैनेजर तुझे खुश रखने के लिए कम से कम चाय बिस्किट का खर्चा तो करेगा ही। 10 बजे तक तेरी बीवी की दहेज की रकम से भरा हुआ बैग तुझे मिल जाएगा, और फिर वीटी पे मुंह दिखाई की रस्म होगी। हेलो। हाँ, जा रही। काला घोड़ा पहुंच। ओके। हेलो, पंडित का भी मूड बदल गया, मेरे सिनेगॉग पे होंगे। ओके। हेलो। वैसे भी पूरे हफ्ते में संडे मनाकर सोमवार के दिन ज्यादा लोग मरते हैं। शमशान घाट में फोन लगा ले, शायद अब भी बुकिंग मिल जाए। क्या बकवास कर रहे हो? बैंक से लेके यहाँ तक जो दो पुलिस वाले अलग अलग भेस में तेरा पीछा कर रहे थे ना, अब तेरी बीवी की आर्थिक
देखो आई एम रियली सॉरी, मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं पैसे लाया हूँ। आई एम आल्सो सॉरी। जोक सुना है? इसका ये मतलब नहीं कि जोक कर रहा था। योर वाइफ इज डेड। हेलो हेलो हेलो, सावन में लग गई आग दिल में रहा, सावन में लग गई आग दिल में रहा, हो सुने हसीना पागल दीवानी, सुने हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात के दिल में रहा, सावन में लग गई आग दिल में रहा। ओ जेवर नहीं है, कोई तेवर नहीं है, सादा सादा
सा है यौवन तेरा। बोले बिना भी देखो सब कुछ कहे, सोने के जैसा लगे मन ये तेरा। तूने हथेली पे जो बूंदे सजाई, सावन में लग गई आग दिल मेरा है, दिल मेरा है, दिल मेरा भिगोया है ये तन जो मेरा, अब आगे थोड़ा सा मेरा मन भी भीगा। ये जिंदगी है मेरी कागज सही पर, कश्ती बना गया जा उसको निभा। आया किसी पे है ये बरसों में अब दो, सावन में लग गई, सावन में लग गई, सावन में लग गई आग दिल मेरा है, सावन में लग गई आग दिल मेरा है। कौन है? जाओ, नहीं उठता। बे यार, क्या है खतरी? खतरी नहीं, खतरा, खतरा। किधर? नीचे, नीचे। तो फिर नीचे वालों की घंटी बजाना यार। आपकी उठेगी तो आपकी बजाऊंगा ना। अरे क्या उठ रही है मेरी अर्थी? अर्थी तो वो नीचे वाले सरदार जी उठाएंगे, अभी तो आपकी वो उठ रही है। अरे क्या उठ रही है, बोलना यार। वो गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। ओए होंदा है, होंदा है, होंदा है। ओ काका मेरी बात सुन, जिस दिन मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा था ना, उस दिन मैं भी इसी तरह दुखी था। लेकिन क्या करे, बेटी और कर्जे की जो गड्डी होती है ना, दोनों पराया तन होती है। एक दिन तो जाना ही है ना। देखो ए, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, तूने 6 महीने से किराया नहीं देता, फिर भी मैंने तेरे को इधर रखा है ना। लेकिन इस बार अगर तूने अगले हफ्ते किराया नहीं देता ना, मैं तेरी टंगा तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगा। ये कोई तेरा ससुराल नहीं है जो मैं तेरे को इधर फ्री में रखूं। मैं क्या जी, मैं पराठे बनाने जा रही हूँ, तुसी घर जल्दी आ जाना, नहीं तो ठंडे हो जाने हैं। मैं क्या जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मिसेस चावला, हाउ आर यू? कितनी बारी कहा है, मैंनू ना मोना कह के बुलाया करो। व्हाई नॉट, हाय मोना। ओ मोना दा बच्चा चुप होए। ओ जब ये तेरे को मिसेस चावला बुलाता है, तेरी मां मर जाती है। मोना मोना मोना, चल घर जाके सोना। जा रही है ना। बाय समीर जी। बाय मिसेस चावला। ओ सॉरी मोना। ओ जी सुनिए, कदी सानू भी घर विच बुलाया करो, परांठे शरांठे खिलाया करो, है जी, गर्मा गर्म। ओए ओके जी। ओए अच्छा देखे बात कर, पराठे दा पुत्र, जो लोग धोती पहनते हैं ना, वो लोग दूसरों की साड़ी साड़ी नहीं उतारते। चावला साहब, आई नो कम ना। मोना तेरी भाभी है, भाभी माँ के समान होती है, ऐसा नहीं होता है। एक्सक्यूज मी, वो गल सुनो, पैसे दे दी अगले हफ्ते। अब प्रॉब्लम चल रही है। हेलो, आकी है कि आओ जी। यस डार्लिंग, पहुंच रही हूं, बच्चों को आश्रम में 1-2 घंटों में खाना खिलाकर पहुंच जाऊंगी। ओके, हेलो, आई एम लूजिंग नेटवर्क, आई विल सी यू सून। Bye, baby. सत श्री अकाल। अगले हफ्ते पैसे देने का इंतजाम कर लेना, नहीं तो अनाथ आश्रम में रहने का बंदोबस्त कर लेना। सत श्री अकाल।
उसने मुझे देख लिया तो? Relax, darling. वैसे भी नौकरी से तो निकाल दिया, अब तेरा पति मेरा क्या बिगाड़ेगा? तुम्हारा नहीं, मेरा जरूर बिगाड़ सकता है, घर से बाहर निकाल सकता है। ओए, अब किसके के साथ है? तनख्वाह नहीं ले रहा लेकिन काम अभी ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी दूसरे बॉस की बीवी को फंसाने के लिए आपको पहले एक नया बॉस ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप उसके मूड में हैं। ओह शिट, डोंट टेल मी आज फिर किसी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया यार। एनीवे दैट्स फॉर मी, थैंक यू, आई विल सी यू। अबे तू मिल कब रहा है यार? शाम को मिलता हूँ यार, जैज क्लब। चल ठीक है। सुन, बॉस इसकी सुनता बुनता है कि नहीं? क्यों, ये मेरी तनख्वाह बढ़ाने को बोला बोला ए। यार मैंने तुझसे पहले कभी पूछा नहीं, लेकिन एक बात बता, लोग इंडिया में अपनी फैमिली को छोड़कर यूएस जाते हैं, और तू है कि वहाँ पे अपने मॉम डैड, अपनी चिल्ड आउट लाइफ, ये सब कुछ छोड़कर वापस इंडिया कैसे आ गया? यार वही तो प्रॉब्लम है, वहाँ पे सब कुछ चिल्ड आउट है, एंड आई नीड समथिंग हॉट एंड स्पाइसी यार। और उसके लिए इंडिया से बेहतर कोई जगह है? हाँ, आई मीन लुक अराउंड यू, आफ्टर ऑल इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइस। आई नो, वो देख मिस्टर स्पाइसेस खड़ी है और तेरी मॉम, उन्होंने आराम से भेज दिया तुझे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर मैंने अपनी मॉम को बिठाया और समझाया और कहा कि मॉम, अगर मैं अमेरिका में रहूंगा तो किसी गोरी लड़की को आपकी बहू बना दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई घर की लक्ष्मी टाइप चाहिए तो मॉम बस वो तो बस हिंदुस्तान में ही मिल सकती, बस मैं यहाँ और लक्ष्मी यहाँ। What do you want? I want a Coke. Tony? Yeah. Coke. Sure. What's your problem? No problem, babe. Absolutely then no problem. Then why don't you just back off, dude? Me? No problem. Just come stay on, away. Come on, chill. Idara. Sorry, baby. Here's your drink. Enjoy. Sorry. Tu kahan ja raha hai? Arey, steps to bata. I'm sorry, brother. Show I didn't know she was your girlfriend. Really? Come on, come on. Show me some other moves. Sorry, dude. Sorry, sorry. मेरा शुक्रिया अदा यहाँ करोगी या कहीं और चले? और अगर शुक्रिया अदा करने का इरादा ना हो तो? अगर आज रात मैं यहाँ तो कोई और होता, यानी कि मैंने तुम्हें दो दो मुसीबतों से बचाया। इसलिए कि तुम्हें मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। Stay away from me. I spell trouble. मुझ पे एहसान कर रही हो? नहीं, तुम पे रहम खा रही हो। ठीक है। ये ले। वैसे किसी ने सही कहा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, अगर वो भी नहीं तो बेटा घर जा और निकाल दही। अब क्या बोल रहा है यार तू? चल यार घर चलते। अभी नहीं। देख मैं घर जा रहा हूं और जिंदा रहा तो फिर से मिलेंगे। क्यों, तुझे क्या होने वाला? पीछे देख। सलाम वालेकुम कलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हुए तुम्हारा दीदार नहीं हुआ। आपको मिलने ही वाला था। मेरा पैसा लौटाने या और मोहलत मांगने? अच्छी है, अच्छी है। जैकेट, घड़ी, अच्छी है। तेरी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि मेरा पैसा तू बड़े स्टाइल से खर्च करता है। सिंपल सी बात है कलीम भाई, या तो एक दिन ये पैसे लौटाऊंगा या इनकी वजह से मर जाऊंगा, और अगर लौटाना ही है तो पहले उड़ा तो लूं, और अगर मरना ही है
तो कम से कम जी तो लूं। ठीक कहा तूने। लेकिन जब तक तू मेरे पैसे लौटाता नहीं है तुझे सबक से खाने का हक है मेरा। तुझे इतना मारूंगा कि तू मेरे पैसे देने के लिए जिंदा रहे, अगर पैसे नहीं दे तो मरने के लिए जिंदा रहे। कलीम भाई आपको पता ही है कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन आपको हक, जब तक मैं आपके पैसे लौटा ना दूं मेरा भी फर्ज बनता है कि ईमानदारी से मार खा के आपको अपना फर्ज निभाने दूं। I like it. मार भी ऐसे खा रहा है जैसे एहसान कर रहा है। अच्छा बोल, पहले ड्रिंक पिएगा या टॉनिक? ड्रिंक के लिए तो पैसे हैं नहीं और आपसे और उधार लेने की हैसियत नहीं, डायरेक्ट टॉनिक लेता हूं। शुक्रिया नहीं मिला तो ना सही, कम से कम एक लिफ्ट तो मिल सकती है। बाय द वे तकलीफ के लिए आई एम सॉरी बट थैंक्स फॉर द लिफ्ट। लगता है तकलीफ और मुसीबत तुम्हारा पीछा छोड़ना नहीं चाहती। हेलो, लिफ्ट मैंने मांगी। मैं अपनी नहीं इसकी बात कर रही हूँ। क्या ये? अरे ये तो बस कुछ दोस्तों का प्यार है। क्या तुम इसे प्यार कहते हो? तुम किसे प्यार कहती हो? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। सो टेल मी समथिंग, इस तरह किसी अजनबी को अपनी गाड़ी में बिठा के तुम्हें डर नहीं लगता? कभी कभी अजनबियों से ज्यादा अपनों से डर लगता है। ऐसे सोचती रहोगी तो सारे अपने अजनबी बन जाएंगे। वो तो कब की बन चुके। अब कहाँ? जहाँ तुम ले चलो। अब कहाँ? राइट। बाय द वे, आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं दिया। फ्लैटरी विल गेट यू नोवेयर, जस्ट होम। अगले हफ्ते पैसे देने का इंतजाम कर लेना, नहीं तो अनाथ आश्रम में रहने का बंदोबस्त कर लेना। लेकिन जब तक तू मेरे पैसे लौटाता नहीं है तुझे सबक से खाने का हक है मेरा। लगता है तकलीफ और मुसीबत तुम्हारा पीछा छोड़ना नहीं चाहती। और उसके कोई दोस्त वगैरह? नहीं सर, नो आईडिया। कोई नहीं? नो सर। आफत से मुलाकात का इतना शौक है तो हमसे मुलाकात कीजिए, वैसे आफत हम भी कुछ कम नहीं है। अरे आप थोड़ी ना आफत हैं कलीम भाई, आप तो मेहरबान हो और जब तक आप मेहरबान हो तो आफत से क्या डरना। देख मैंने कहता था तुम लोगों को, अरे कर्जा देना हो तो ऐसे बंदे को दो जो तारीख की अहमियत पहचाने ना पहचाने लेकिन तारीफ जरूर जाने। ए, तेरी मैयत पर ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी क्योंकि मर्दों से तू पहचान बनाता नहीं है और औरतों को शमशान में आने की मना है।
आप मेरे लिए आंसू बहाएंगे, मेरे लिए उतना ही काफी। आंसू तो मैं जरूर बहाऊंगा, मगर तेरे लिए नहीं, अपने उस पैसे के लिए जिसको ना देने की वजह से मैं तुझे मार दूंगा। फिक्र मत कीजिए कलीम भाई, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। चलता हूं। ए सुन, जाते जाते कलीम भाई की एक नसीहत और सुन ले, ये लड़कियां शमशान तक आ नहीं सकती लेकिन वहां पहुंचा जरूर सकती है। जी आप? अजनबी। ओ तुम उस रात से बहुत अलग लग रही हो। क्यों, आज कम खूबसूरत लग रही हो? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन कम जिद्दी आई हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, प्लीज। आज मेरी याद कैसे आ गई? याद नहीं, जरूरत आ पड़ी। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं कीमत नहीं लेता। Don't flatter yourself. अगर मुझे तुमसे वो जरूरतें पूरी करवानी होती तो उसके लिए मुझे तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। Really? तो फिर ये पैसे किस बात के? मुझे किडनैप करने के। What? मेरा नाम ज़ारा कंपानी है, मेरे पति जतिन। नाम के लिए शुक्रिया, लेकिन ये किडनैपिंग का चक्कर क्या है? मैं देखना चाहती हूँ कि जतिन मुझसे प्यार करता है या नहीं। हम शोर की और भी तरीके इस बात का पता लगाने के। अब दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो जो पैसे तुम मुझसे मेरी जान के बदले में मांगोगे वो बिना सोचे समझे दे देगा, और अगर नहीं करता। एक मिनट, तुम कितने पैसों की बात कर रही हो? 50 लाख। 50 लाख? वाह। हम अगर चाहें तो एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तुम्हारे पैसों की जरूरत और मेरे प्यार की। तुम मुझे किडनैप करोगे या नहीं? कब करना है? अभी। कौन सी जगह ये? वुडस्टॉक विला, हमारे एक दोस्त की है, वो इंडिया में नहीं रहता, खाली पड़ी थी, हमारे लिए परफेक्ट है। तुमने सही कहा, ये घर हमारे लिए परफेक्ट है। अब मेरी बात गौर से सुनो, इस घर की सभी बड़ी लाइटें बंद रहेगी। लेकिन तुम आवाज नहीं करोगे क्योंकि खाली घरों में से आवाजें नहीं आती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर ये फोन बजा तो तुम इसे उठाओगे नहीं। रसी है, मेरे अलावा अगर यहां और कोई आएगा तो तुम्हें बंद हवा पाएगा। उस बीच अगर तुम्हें बाथरूम जाना हो तो उसे खोल पाओगी?
एक बात बताओ, तुम्हें यकीन कैसे था कि मैं तुम पे भरोसा कर लूंगा? यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं थी, मुझे तुम्हें धोखा देके क्या मिलेगा। लेकिन तुम्हें यह कैसे यकीन था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? क्या नहीं, मतलब शायद मुझे पैसों में इतनी दिलचस्पी ना हो जितने की तुम में हो, कि तुम्हारे हाथ इस तरह बंधे हुए देखकर मेरी नीयत फिसल जाए और मैं तुम्हारे पास आना चाहूं। ये तुम क्या कर रहे हो समीर? तुम्हें छूना चाहूं, तुम्हारे इस पल्लू को इस तरह तुम्हारे कंधे से सरकार, समीर, समीर! और तुम्हारे इस मखमली खूबसूरत जिस्म को चूमना चाहूं। समीर! फोन पे तुम्हारा पति एक मर्द की आवाज सुनेगा और इतनी खूबसूरत औरत को बिना छुए जो रह सके वो हर किस मर्द नहीं। अब लगता है कि तुम्हारा सच में किडनैप हुआ है। हेलो। हाँ यानी काला घोड़ा पहुंच। हेलो। पंडित का भी मूड बदल गया, मेरे सिनेगॉग पे होंगे। वैसे भी पूरे हफ्ते में संडे मनाकर सोमवार के दिन ज्यादा लोग मरते हैं। शमशान घाट में फोन लगा ले, शायद अब भी बुक मिल जाए। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? बैंक से लेके यहाँ तक जो दो पुलिस वाले अलग अलग भेस में तेरा पीछा कर रहे थे ना, अब तेरी बीवी की अर्थी को कंधा देने काम आएंगे। देखो आई एम रियली सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। जोक सुना है, इसका ये मतलब नहीं कि जॉब कर रहा था। योर वाइफ इज डेड। बैड न्यूज मिसेस कंपनी, मजनू को लैला से ज्यादा अपने पैसे प्यारे। मना करने पे भी साले ने पुलिस को बुलाया। अब मेरा कोई चांस है? अरे कहाँ गई ज़ारा? ज़ारा पुलिस को फोन लगाया साले ने। हेलो। बहुत बड़ी भूल की,
इतना गहरा समीर कितने है? समीर 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 मर तो नहीं गया, मेरे पैसे दिए बिना मरना नहीं। ओ समीर, हाँ उठ गया उठ गया, अब मुंह लटकाने से कोई फायदा नहीं, लीज खत्म हो गई है, मुन्नू मेरे पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, चोरी करो खून करो डकैती मारो या चाहिए तो किसी लड़की का रेप का, मेरी बात सुनो, मुन्नू मेरे पैसे चाहिए थे। जो लोग धोती पहनते वो दूसरों की साड़ी नहीं उतारते। एंड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रेंट लॉ आई कैन थ्रो यू आउट ऑफ दिस अपार्टमेंट एंड पुट यू बिहाइंड बार्स फॉर 3 डेज। दिस इज माय फ्लैट एंड आई एम द ओनर एंड योर टेनेंट। ये लो निकलो यहाँ से। इतने सारे पैसे, वाकई में किसी का खून था नहीं कितना? आई सेड गेट आउट, यू आर ड्रंक एंड यू आर स्मेलिंग। मिसेस ज़ारा कंपनी को अगवा हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं और अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्द ही वो अपराधियों तक पहुंच जाएगी, लेकिन पूछे जाने पर ना तो पुलिस के पास कोई सबूत है और ना ही वो अब तक कोई गिरफ्तारी कर पाई है। देखते हैं ये मामला आगे क्या होता है। कहाँ है तू? ना तू फोन उठाता है ना कॉल वापस करता है। सॉरी यार वो बस। अच्छा सुन, वो बैंगलोर वाला जॉब अब भी अवेलेबल है क्या? हाँ, वो जो आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस के सामने काफी लो था वो। मजाक मत कर यार, आई रियली नीड दैट जॉब। एम आई हियरिंग इट राइट? मेरा दोस्त सैम सामने से फोन करके कहता है कि वो जॉब करने को तैयार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी ऐसा मोड़ ले गया। बस ये सोच ले कि जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया है कि अब यही एक रास्ता बचा है यार। I really need to get out of here. Sam, तू ठीक तो है? You're sounding low. क्या बात है? नहीं कुछ नहीं है। बोल, तू मुझे वो जॉब दिला सकता है? Of course यार, इसमें पूछने की क्या बात है? Thanks यार। सुन Sam, Sam। Thank you.
अरे यार बहुत बुरा हुआ। इतनी अच्छी चीज तालाब के गंदे गटर के पानी में टूट गई। हाँ वो तो है, वैसे ज़ारा कंपनी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी कौन बात कर रहे हैं? तो मैं तो गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ओ इतनी अच्छी गाड़ी, सत्यानाश हो गया, जतिन को झटका लगेगा। अपनी गाड़ी का या अपनी बीवी का? वो तो उसको मिलके पता चलेगा। हैं? हाँ। सैमी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अजय आई नीड योर कमेंट। तू बैंगलोर क्यों नहीं गया? तू गाड़ी दे रहा है कि नहीं? गाड़ी दे रहा है कि नहीं? इतनी मुश्किल से तेरी जॉब लगवाई थी, अब जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। ये ले बीवी की गाड़ी संभाल के। Thanks, man. And I still want to know की बात क्या है। Sam, गाड़ी का मिलना बहुत अच्छी खबर है। खाक अच्छी खबर है, इसे आप अच्छी खबर कहते हैं? हाँ जरा सोचिए, कम से कम गाड़ी के साथ बॉडी तो नहीं मिली, फिर अच्छी खबर हुई ना। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए बॉडी आइडेंटिफाई करें और बताएं कि ये आपकी वाइफ है या नहीं। क्या आपने तो कहा था कि कोई बॉडी नहीं मिली। वैसी बॉडी नहीं, ऐसी बॉडी। हेलो सर, देयर इज अ जर्नलिस्ट हु वांट्स टू मीट यू। जर्नलिस्ट? हाँ उन्हें बिठा कर रखो, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ओके ये फोटोज हमें आपकी वाइफ की गाड़ी में मिली। क्या है, खराब हो गई हैं, शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही। आपकी वाइफ तो नहीं है? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिगर से पहचानी? मेरा मतलब है बॉडी देखकर पहचानी। जो कपड़े पहने हैं उससे पहचान लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कपड़े ना फोटो। और फिगर? अब छोड़ो भी, एक बात बताइए, आपकी बीवी को एक्टिंग एक्टिंग का शौक है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये मामूली फोटोग्राफ नहीं है, ये वो। ओके ओके मिस्टर कंपनी, जैसे ही हमें कुछ खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाय द वे, इस बार खबर अच्छी थी, लेकिन आपको सावधान करना हमारा फर्ज है।
अगली बार खबर बुरी भी हो सकती है। थैंक यू। हाँ ये फिगर बॉडी वॉडी क्या चक्कर है यार? फोटोग्राफ ने फिगर अच्छा था नहीं? क्या Can I help you, Mr. Akshay? Akshay Kapadia. Mr. Kapadia, which paper did you say you're from? I didn't say that yet. And what is it regarding? May I? Yeah. Zara Kampani. Mrs. Zara Kampani. क्या ये बात सच है कि जिस रात उनका किडनैप हुआ आप दोनों का एक पब्लिक रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था और ये भी सुनने को आया कि झगड़ा आप दोनों की शादी में तनाव को लेके हुआ था कि ज़ारा मेरा मतलब मिस कंपनी को लगने लगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते? देखिए झगड़ा हर पति पत्नी के बीच में होता है। उस रात किसी बात पर हमारा भी झगड़ा हुआ था बट आई लव माई वाइफ और मैं चाहता हूँ कि वह सही सलामत घर लौट आए। और मान लीजिए वो वापस ना आए तो? How dare you say something like that? जिस बात को मेरा प्यार सोचने की इजाजत नहीं देता उस बात को आपने इतनी आसानी से कह दिया? आपको तो सिर्फ सनसनी खबर छापने में दिलचस्पी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जिंदगी बर्बाद होती है नहीं। एक पति अपने पत्नी के फिक्र में पल पल घुट रहा है मगर आपको उसके जज्बातों की कोई कदर नहीं। मैं तो सिर्फ मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। आपका हर सवाल मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि शायद सारा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस रात आई थिंक यू शुड लीव। देखिए मिस्टर आई सेड लीव। सी आई वाज जस्ट प्लीज चल रहे थे? नो पार्किंग मतलब सो प्लेस? नहीं सर, बस दो मिनट में जा रहा हूं। दो मिनट लगाएगा गाड़ी निकालने में? अरे मैं दो मिनट लेट पहुंचेगा जनता की और देश की सेवा करने में। एक आम आदमी दो मिनट काम पर लेट जाएगा। दो मिनट करके 50 साल लगा देश को तरक्की करने में। जा रहा हूं। देखा, ये पहले समझ जाते थे तो दो मिनट क्यों वेस्ट करता था मैं भाषणबाजी में। चलो चलो निकलो चलो। Thank you.
प्लीज कलीम भाई आज नहीं। जब सुना कि जनाब बिना मेरे पैसे लौटाए एयरपोर्ट पर शहर छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए मुझे अफसोस हुआ। प्लीज कलीम भाई आज नहीं प्लीज। अब लड़की के चक्कर में शहर वापस आया देखकर मुझे और भी अफसोस हुआ। दो दिन पहले एयरपोर्ट के बाथरूम में मैं तुझे इसलिए मार देता कि तू झूठा निकला और आज मैं तुझे इसलिए मार दूंगा कि तू आशिक निकला और आशिक को मारते हुए कलीम भाई को बहुत तकलीफ होती है। टॉनिक क्यों चेहरा खराब हो जाएगा? आशिक है साला, आशिक। 3 दिन नहीं तो Zara Company. Hey!
तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम भाग क्यों रही हो? मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझनी हो तो बहुत आसान है। या तो तुम मेरे सामने मुंह खोलो या फिर पुलिस के सामने। द चॉइस इज योर्स। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से। हमारी कहानी तब शुरू हुई जब मैं मॉरिशस में एक शूट के लिए गई थी। तूफान की वजह से शूट कैंसिल हो गया। अनजान शहर, अनजाने लोग और सिर्फ एक साथी, मेरा अकेलापन। और तब जतिन और मैं पहली बार एक दूसरे से टकराए। प्यार है, ये प्यार है, हाँ ये प्यार है, ये प्यार है। उस वक्त तो हम संभल गए, पर एक दूसरे के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए। अकेलेपन को हमेशा के लिए विदा करके उसकी जगह जतिन ने ले ली। चांद भूल के रास्ता तेरी गलियों में आया और करके बहाना छत पे वो मुस्कुराया। चांदनी में सपना हारे भीगे हम क्यों नहीं, ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। पहली नजरें मिली, फिर दिल मिले और फिर जिस्म।
किसी और के साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? Stop it, Zara! अपने आप को संभालो रेशमा। We have to go to the cops, Jatin, please. जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। My wife is dead. लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हम दोनों की जिंदगी तबाह हो सकती है। लेकिन जब ज़ारा की लाश पुलिस को मिलेगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। ज़ारा की लाश पुलिस को जरूर मिलेगी लेकिन आज नहीं, उसके मरने के बाद। What are you talking? Your wife is dead, Jatin. ये तुम जानती हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया नहीं जानती। अपने आप को बचाने के लिए हमें कुछ दिन तक ज़ारा को जिंदा रखना होगा। ये तुम कैसे करोगे? तुम ज़ारा को जिंदा कैसे रखोगे? मैं नहीं, तुम। मैं? कैसे? कुछ दिन तक खुद ज़ारा बनकर। हर मर्द अपनी बीवी में किसी दूसरी औरत को ढूंढता है और हर दूसरी औरत में अपनी बीवी को। तुम इसे इत्तेफाक समझो या हमारी खुशनसीबी, पर ज़ारा की शक्ल काफ़ी हद तक मुझसे मिलती थी। खाती नहीं कि कोई अपना धोखा खा जाए, पर इतनी ज़रूर कि ज़माना आसानी से फ़र्क बता ना सके। पहले मैंने ज़ारा के पति को अपना बनाया था और अब ज़ारा की पहचान को। हमारे प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुम परफेक्ट आदमी थे, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी थी खूबसूरत लड़कियां, और तुम्हारी इसी कमजोरी को मैंने अपनी ताकत बना के तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया। हाँ, तुम्हारे लिए बुरा जरूर लगा, पर अफसोस बिल्कुल नहीं। अब अगर तुम अफसोस नहीं करना चाहोगी तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। ज़ारा को फिर से जिंदा करोगी और उसकी मुलाकात उसके पति से करवाओगी। Oh,
सर आपका ऊपर कोई इंतजार कर रहा है। Are you crazy? तुम इस हुलिये में यहाँ आई हो? It's over, Jatin. उसे सब पता चल चुका है। क्या? उसने हमें पैसों के साथ वुडस्टॉक विला बुलाया है। लेकिन? लेकिन का वक्त निकल चुका है। मुझसे बात करने की इतनी बेसब्री है कि पहले ही घंटी में फोन उठा लिया। एक आध घंटी बजने तो देते। देखो तुम धमकी देने की आदत गई नहीं तुम्हारी। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, बस इतना बता पैसे तैयार हैं? हाँ। तो अपनी होने वाली पत्नी से कहो कि पैसों के साथ बाहर आ जाए। क्या हुआ? तुम्हें बाहर बुलाया है। सुनो, अगर मौका मिले तो इससे इस्तेमाल कर पाओगी? वो तो मौका मिलने के बाद ही पता चलेगा। पैसे पूरे? भरोसा तुम्हारी फितरत में नहीं है। क्या करें, तुमने शक की आदत जुड़ा ली। चलो गाड़ी में बैठो। पैसे मिल गए ना, तो तुम रेशमा को छोड़ दो। छोड़ तो वो चुकी है, तुझको। चौंक मत, ये तो कुछ भी नहीं है। जरा बेडरूम में तो तशरीफ ले जाइए, वहां इससे भी बड़ा सरप्राइज तेरा इंतजार कर रहा है। बस एक आखिरी हिसाब चुकाना है। आई विल बी बैक।
सलाम अलैकुम कलीम भाई। वालेकुम मियां। देर आए पर दुरुस्त आए, इससे और देर लगाते तो बहुत देर हो जाती। विस्की सोडा। भाई 5,000 ज्यादा है। सौ दारू के और बाकी इसकी दवा दारू के। खुदा हाफिज कलीम भाई। हीरो है साला, हीरो। खुदा हाफिज। अब ध्यान से सुनो, यहां से हम दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जतिन ने अब तक पुलिस को हम दोनों के बारे में बता दिया होगा और वो लोग एयरपोर्ट पे हम दोनों को ढूंढ रहे होंगे। मैंने एक ही फ्लाइट पे हम दोनों की सीट्स अलग अलग बुक की है ताकि किसी को शक ना हो कि हम दोनों एक साथ हैं। अब मंजिल तक पहुंचने तक ना तो मैं तुम्हें जानता हूं और ना तुम मुझे। गॉट इट? ओके, मगर पैसे मेरे पास रहेंगे। Business class to Johannesburg, please. 95,000, ma'am. You're going to pay by cash or by card? Cash. Your attention, please. This is the last and final call for passengers traveling to Johannesburg by Air India flight number AR108 to kindly proceed towards gate number 13. Thank you. जाने वाले यात्रियों के लिए
कि वे गेट नंबर 13 के प्रस्थान पर हैं। धन्यवाद। हाँ माँ, कैसी हो? वापिस आ रहा हूँ। माँ तू भी ना। घबरा मत, तेरे घर की लक्ष्मी मेरे साथ ही है। Love you. बच के कहाँ तक जाएगा।